अब सेकंड फैक्टर है आपका मटेरियल ऑफ प्रिज्म, दैट इज ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप जो प्रिज्म ले रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, उससे प्रोड्यूस होने वाला डिविएशन उतना ही ज्यादा होगा। उसी तरीके से थर्ड फैक्टर है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया कि एंगल ऑफ डिविएशन इंक्रीज करता है जैसे जैसे आप एंगल ऑफ प्रिज्म को इंक्रीज कराते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने 30 डिग्री का एंगल ऑफ प्रिज्म लिया हुआ है तो डिविएशन कम होगा इन कंपेरिजन टू 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म के। मतलब यहाँ पर एक चीज एक्सप्लेन कर दूं, जैसे ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है, तो अब इसका जो डेल्टा और इसका जो डेल्टा 2 है, ये डेल्टा 1 इज लेस देन डेल्टा 2, ये आपको समझाने के लिए बताया गया, ठीक है। उसी तरीके से चौथा फैक्टर है द कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। ऑब्वियसली बेटा जब इस पर डिपेंड कर रहा है तो ये इनडायरेक्टली इस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि किसी भी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एक लाइट के कलर की वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा ही करेगा। तो जब इस पर डिपेंड कर रहा है तो इस पर डिपेंड करना क्वाइट नेचुरल है। तो जैसे जैसे आप लाइट कलर यूज होने वाले कलर की लाइट का वेवलेंथ बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एंगल ऑफ डिविएशन कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा, सॉरी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता चला जाएगा, और जब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा तो फिर आपका एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करता चला जाएगा। यहां पर मैंने एक नोट पॉइंट में लिख दिया है कि एक दिए हुए प्रिज्म के लिए वायलेट कलर का डेविएशन रेड कलर से ज्यादा होता है, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन के फॉर्म में 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि वायलेट कलर किसी एक गिवन प्रिज्म के लिए किसका डेविएशन ज्यादा होगा, वायलेट का या रेड का। तो अपन जानते हैं जब लाइट एक प्रिज्म से गुजरती है व्हाइट लाइट, तो फिर उसके 7 कंपोनेंट्स हो जाते हैं, जिसे आप कहते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड।